नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मैं प्रोफेसर रमेश प्रसाद, डीन फैकल्टी ऑफ श्रवण विद्या, हेड डिपार्टमेंट ऑफ पाली एंड थेरवाद, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी तथा जनरल सेक्रेटरी पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया, आप सभी श्रोताओं को बुद्ध सीरीज के इस 29th एपिसोड में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। पिछले एपिसोड में ब्रह्म विहार पर चर्चा आरंभ किए थे। वहां हमने देखा कि मित्ता, करुणा, मुदिता तथा उपेक्षा, इन चार धर्मों का सम्मिलित नाम ब्रह्म विहार है। ब्रह्म विहार के मित्ता धम को हम लोग पिछले एपिसोड में देख चुके हैं। इस एपिसोड में करुणा पर चिंतन मनन करेंगे। करुणा का अर्थ दया होता है, लेकिन करुणा सामान्य दया नहीं। किसी दुखी को देखकर मन में यह भाव आना कि यह बहुत दुखी है, मन में ऐसा भाव प्रदर्शन दया तो हो सकती है, करुणा नहीं। करुणा दया से ऊपर की स्थिति है। मन मात्र में वह भाव नहीं रहे जब तक वह भाव वाणी तथा काय के स्तर पर प्रकट होने लगता है, तब करुणा की उत्पत्ति होती है। दूसरे के दुख को देखकर उसके दुख को दूर करने का यथासंभव प्रयास करुणा है। दूसरे का दुख, दूसरे का कष्ट स्वयं का दुख है, स्वयं का कष्ट है, ऐसा भाव ही करुणा है। जब स्वयं दुखी होते हैं तो उस दुख से बाहर निकलने का हम प्रयास करते हैं। उसी प्रकार दूसरे के दुख को स्वयं का दुख समझकर उस प्राणी को दुख से बाहर निकालने का यत्न, प्रयत्न, प्रयास करना है। विशुद्धि मग में आचार्य बुद्ध घोष कहते हैं, पर दुखे सती साधुनं हृदय कंपनं करोतीति करुणा। अर्थात दूसरे के दुखी होने पर जब सज्जनों का हृदय कंपित हो उठता है, द्रवित हो उठता है, वही करुणा है। करुणा को परिभाषित करते हुए यह भी कहा गया है कि नाति वा पर दुखं हिंसति विनाशेति ति करुणा। अर्थात दूसरे के दुख का जो अंत करती है, दूसरे के दुख का जो विनाश करती है, वह करुणा है। कहने का अर्थ है कि दुखी जनों पर अवलंबित होकर करुणा उत्पन्न होती है। करुणा का जो फैलाव है, जो विस्तार है, ये दुखी प्राणी है। क्रियते वा दुखितेषु पसारयति इति करुणा। अर्थात दुखित प्राणियों में जो फैलती है वह करुणा है। करुणा मन का, चित्त का वह पवित्र भाव है जो दुखी प्राणियों के दुख तथा कष्ट को कारण सहित समाप्त करता है। दुखी सत्यों के हित एवं कल्याण करने की भावना ही करुणा है। ऐसी करुणा के प्रति महामानव भगवान बुद्ध थे। वैसे करुणा तो सभी प्राणियों में होती है, लेकिन उसकी मात्रा अलग अलग होती है। करुणा के भाव का विस्तार अथवा संकुचन अलग अलग होता है। हर व्यक्ति, प्रत्येक पशु पक्षी अपने संतान से प्रेम करता है। जब कभी भी उसे कष्ट होता है, तब उस संतान का कष्ट
उसे स्वयं का कष्ट अनुभव होने लगता है। यही तो करुणा है, लेकिन यह संकुचित करुणा है, इसे विस्तार देना है। संतान से परिवार, परिवार से कुल खानदान, पास पड़ोस, गांव, नगर, जनपद, राष्ट्र, यहां तक कि संपूर्ण जगत तक, हर प्राणी मात्र तक इस भावना को बढ़ाना ही करुणा का सत्य स्वरूप है। करुणा असीम है, इसलिए इसे अपमैया कहा गया है, इसे सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। बुद्ध की करुणा सर्वजन के लिए थी, पृथ्वी के हर सत्व, हर प्राणी के प्रति थी, इसलिए बुद्ध की करुणा को महाकरुणा कही जाती है। वे इस अर्थ में महाकारुणिक हैं, विनय पिटक की अटकथा प्रारंभ करने के पहले अपने मंगलाचरण में बुद्ध के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आचार्य बुद्ध घोष कहते हैं, यो कपकटो ही पियप्पमेयं कालंकरोंतो अति दुःखकरानी खेदं गतो लोकिताय नाथो नमो महाकारुणिकस्ततस्य। बुद्ध केवल इसलिए महाकारुणिक नहीं है कि वे 45 वर्षों तक घूम घूम कर लोगों को उपदेश करते रहे, वे इस कारण महाकारुणिक है कि वे अनेक जन्मों तक, अनेक कल्पों तक दुष्कर तपश्चर्या की, 10 पारमिताओं का पालन किया, लोक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए, तब उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, लोक का कल्याण हुआ, तब जग का मंगल हुआ, देव मनुष्यों का हित और सुख हुआ। तथागत बुद्ध की करुणा ऐसी थी कि वे चाहते थे कि उनका धम्म हर व्यक्ति तक पहुंचे, ताकि उसका कल्याण हो सके। इस भावना से उन्होंने एक साथ, एक दिशा में एक ही भिक्षु को जाने को कहा, दो को नहीं, मां एकेन द्वे अगमित्था, ताकि अधिक से अधिक लोगों का हित और सुख हो सके। भिक्षुओं की चारिका लोक पर अनुकंपा करने के लिए थी, यह चारिका केवल विचरण मात्र नहीं था। चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्थाय हिताय सुखाय देव मनुष्यान। बुद्ध का भिक्षुओं को अस्पष्ट संदेश है, निर्देश है कि आप चारिका करें, लेकिन ध्यान रहे कि वह चारिका लोक पर अनुकंपा करने के लिए हो, देव मनुष्यों के प्रयोजन के लिए हो, उनके हित के लिए हो, उनके सुख के लिए। लेकिन देव मनुष्यों का हित तथा सुख कैसे हो, इसके लिए बुद्ध भिक्षुओं को उपदेश करने के लिए कहते हैं, देशेत भिक्खवे धम्मं आदि कल्याणं मध्ये कल्याणं परियोसान कल्याणं साथं सव्यंजनं केवल परिपुन्नं परशुद्धं ब्रह्मचर्यं प्रकाशितः। केवल भिक्षा के लिए चारिका नहीं है, उपदेश भी करना है, क्योंकि यह धम आरंभ में कल्याणकारक है, मध्य में कल्याणकारक है और अंत में तो कल्याणकारक है। आरंभ शील से होता है, शील के पालन से हमारा कल्याण होता है, फिर समाधि की भावना लगती है, यह और अधिक कल्याणकारक है। शील के पालन और समाधि की भावना से प्रज्ञा की प्राप्ति होती है, जो बौद्ध धम्म का किसी मानव के लिए अंतिम लक्ष्य है। इस प्रज्ञा का तो कहना ही क्या, यहां तो कल्याण ही कल्याण है, परम कल्याण है। बुद्ध की करुणा अब और आगे देखें, उन्होंने भिक्षुओं को धर्मोपदेश देने की विधि भी बतलाया, उपदेश केवल उपदेश मात्र न रह जाए, क्योंकि उससे कल्याण संभव नहीं है। धर्मोपदेश का लाभ हमें तब मिलेगा
जब हम उसे अपने आचरण में उतारेंगे। और हम उसे आचरण में कब उतारेंगे? जब वेद हम हमारे दिल को छू जाएगा। जब वो दिल को छू लेगा तब हमारा मन धर्म के अनुरूप कार्य करने को तैयार होगा। हम काय तथा वचन से धर्म के पथ पर चल देंगे। इसलिए बुद्ध ने केवल सामान्य ढंग से उपदेश देने को नहीं कहा, उन्होंने कहा कि साथं सव्यंजनं, अर्थ सहित उपदेश करें, व्यंजन सहित व्याख्या के साथ धर्म का उपदेश करें, ताकि केवल परिपूर्णं परिशुद्धं ब्रह्मचर्यं। यह जो धर्म है, जो परिपूर्ण है, कंप्लीट है, परिशुद्ध है, शुद्ध नहीं परिशुद्ध, 100% प्योर है, ब्रह्मचर्य वाला है, ऐसे धर्म का प्रकाशन करो, पूर्ण व्याख्या के साथ, अर्थ सहित विवेचन के साथ। बुद्ध की ये धर्मोपदेश की पद्धति थी। उपदेश केवल कहना मात्र न रहे, आचरण में वह उतरे, तभी तो हित कल्याण सुख का आगमन होगा। ऐसी थी बुद्ध की करुणा, क्योंकि करुणा का लक्षण है दुखी और परेशान प्राणियों को देखकर चित्त में बेचैनी, व्याकुलता, अत्रप पैदा हो जाना। यह व्याकुलता तब तक कायम रहती है जब तक वह उनके दुखों को कारण सहित समाप्त नहीं कर देता है। दूसरे के दुख को दूर करने के लिए स्वयं को लगा देना ही करुणा है। करुणा उत्पन्न होने पर यह भाव जगता है कि सभी प्राणी जो दुखी हैं वे दुख मुक्त होवे, भयभीत प्राणी भय रहित होवे, शोकाकुल प्राणी निःशोक होवे, दुख पमत्ता च निदुखा, भय पमत्ता च निभया, शोक पमत्ता च निशोका, होन्तु सव्येपि पाणिनो। बुद्ध की करुणा समाज के हर वर्ग पर समान रूप से बरसती थी, चाहे अम्बपाली गणिका हो अथवा दासी पुत्री पूर्णिका, उपाली नाई हो अथवा भंगी सुनीता, चांडाल पुत्र सोपाक हो अथवा डाकू अंगलीमाल, कीसा गौतमी हो या पटाचारा, राजा बिंबिसार अजाशत्रु हो अथवा संग भेद करने वाला देवदत्त, सम्राट प्रसेनजीत हो अथवा अद्भुत दानी अनाथ पिंडक, सब पर करुणा बरसी, समान रूप से बरसी, न किसी पर ज्यादा न किसी पर कम, जो जैसा था वैसा पाया। बुद्ध ने भी भेद नहीं किया। अधिक से अधिक लोगों का मंगल हो सके इसके लिए बुद्ध ने आम जनता की बोली पाली को, पाली भाषा को उपदेश का माध्यम चुना, धम्म की भाषा चुना। बुद्ध की करुणा की कथा तो अनेक सूत्रों में भरे पड़े। यहां मैं सुभद्र परिव्राजक के प्रति बुद्ध की करुणा का उल्लेख करना समीचीन समझ रहा। यह कथा दीघ निकाय के महापरिनिर्वाण सूत्र में आया। कथा यूं है, तथागत बुद्ध महापरिनिर्वाण मुद्रा में लेटे हैं, यानी मृत्यु सैया पर हैं। अभी भगवान ने महापरिनिर्वाण नहीं प्राप्त किया। उसी समय कुशीनारा का, आधुनिक नाम कुशीनगर का, सुभद्र नामक परिव्राजक आयुष्मान आनंद से भगवान के दर्शन हेतु निवेदन करता है। वह अन्य आचार्यों से सुन रखा है कि कदाची कड़हची तथागता लोके उपजंती अरहंतो सम्मा संबुद्धा। कदाचित कभी कभी ही तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध उत्पन्न हुआ करते हैं।
सुभद्र के कुछ संशय हैं, शंकाएं हैं, वह उसका समाधान चाहता है। वह तीन बार निवेदन करता है, तीनों बार आनंद उसके निवेदन को यह कहकर अस्वीकार कर देता है। अलं आउसो सुभद्र मा तथागतं विहेठेसी किलंतो भगवाती, बस करो आयुष्मान सुभद्र, तथागत को तकलीफ मत दो, उन्हें कष्ट मत दो, भगवान थके हुए। भगवान ने आयुष्मान आनंद का सुभद्र परिव्राजक के साथ का कथा संलाप सुन लिया। तब भगवान ने आयुष्मान आनंद से कहा, नहीं आनंद, सुभद्र को मना मत करो, सुभद्र को तथागत का दर्शन पाने दो। जो कुछ सुभद्र पूछेगा वह परम ज्ञान की इच्छा से ही पूछेगा, तकलीफ देने की इच्छा से नहीं। पूछने पर जो उसे मैं कहूंगा उसे वह शीघ्र ही जान लेगा, क्षिप में वह आ जानी सती, जल्दी ही जान लेगा। सुभद्र परिव्राजक भगवान का दर्शन करता है, अपनी शंकाओं को भगवान के सम्मुख रखता है, भगवान उसकी शंकाओं का निराकरण करते हैं, भगवान के उपदेश से धम्म का उसे बोध होता है। भाव विह्वल होकर वह कहता है, अभिकंतंग भन्ते, अभिकंतंग भन्ते, सय्यथापि भन्ते, निकूजतंग वा उकुजय्य, पटछन्नंग वा विवड़य्य, मूल हस्वा मग्गं आचिकय्य, अंधकारे वा तेलपज्योतं धारय्य, चक्षु मन्तो रूपाणि दक्षन्ति, एवमेवं भगवता अनेक पर्यायेन धम्मो प्रकाशितो। आश्चर्य है बनते, अद्भुत है बनते, जैसे कि उल्टे को सीधा कर दे, ढके को उघाड़ दे, या भूले को मार्ग बतला दे, अथवा अंधकार में तेल का दीपक धारण कर ले जिससे कि आंख वाले रूपों को देख ले। ऐसे ही भगवान ने अनेक प्रकार से धर्म को प्रकाशित किया। बुद्ध की अनंत करुणा, महाकरुणा यहां झलकती है। महापरिनिर्वाण के ठीक पहले कल्पना कर सकते हैं कैसा वह क्षण रहा होगा। उस बेला में वे सुभद्र को उपदेश करते हैं, और वैसा उपदेश कि उसकी अविद्या नष्ट हो जाती है, वह त्रिरत्न की शरण जाता है, प्रवज्ञा पाता है, उपसंपदा पाता है, अर्हतों में से एक होता है, वह भगवान का अंतिम साक्षी शिष्य होता है। सो भगवतो पश्चिमो सखी सावको अहोसीति। बुद्ध अनंत करुणा के सागर थे, उनकी करुणा का परिणाम ही उनका धम है, जिसमें गोते लगाकर हम भव सागर को पार कर सकते हैं। सुमंगल विलासनी जो दीघ निकाय की अटकथा है में बुद्ध की वंदना करते हुए कहा गया है, करुणा शीतल हृदयं पैया पज्योत विहित महोत्तमं, सनराम लोक गरुं वंदे सुगतं गति विमुक्तं। मोह के अंधकार को नष्ट करने वाले, प्रज्ञा के प्रकाश को फैलाने वाले देव मनुष्यों के लोक गुरु, सुगत विमुक्त गति वाले, शीतल हृदय वाले, करुणा की प्रतिमूर्ति महाकारुणिक भगवान तथागत बुद्ध को नमन करते हुए इस एपिसोड को यहीं विराम देता हूँ। भवतु सब मंगलं।